हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की आई मिस यू फोटो एडिटिंग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे एक क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने मॉडल को कर लेंगे चूज। उसके बाद टूल्स वाले आइकन पे एक क्लिक करेंगे, चले जाएंगे विंटेज में। विंटेज में आने के बाद 12 नंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसके सेचुरेशन कर लेते हैं -100। इसके स्टाइलिश स्टेन को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद विंगनेट को भी बढ़ा लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद ऊपर वाले आइकन पे एक क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे व्यू एडिट में। व्यू एडिट में आने के बाद इसको कर लेते हैं इरेज। उसके बाद फेस पे शो कर लेते हैं इरेज। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो इरेज करके रेडी हो चुका है। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको बैक। बैक करने के बाद टूल्स आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे सिलेक्टिव पे। सिलेक्टिव पे क्लिक करने के बाद फेस को कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद इसके ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। हाथ पे भी शो कर लेते हैं सिलेक्ट। इसके भी ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद इसके भी ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं। इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे कर्वेज में। कर्वेज में आने के बाद कलर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रेड कलर को कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं एकदम नीचे। एकदम नीचे करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे व्यू एडिट में। व्यू एडिट में आने के बाद इसको कर लेते हैं फेस पे इरेज। उसके बाद इसको कर लेते हैं इनवर्ट। इन्वर्ट करने के बाद फेस पे शो कर लेते हैं इरेज। इसे मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, आप इसे धीरे धीरे आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो इरेज करके रेडी हो चुका है। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको बैक। बैक करने के बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे कर्वेज में। कर्वेज में आने के बाद कलर्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लू कलर को कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं ऊपर। ऊपर करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद वापस इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे व्यू एडिट में। व्यू एडिट में आने के बाद इसको भी कर लेते हैं इरेज। इसे मैं जल्दी जल्दी इरेज कर ले रहा हूँ, आप इसे धीरे धीरे आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो इरेज करके रेडी हो चुका है। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। डन करने के बाद इधर से कर लेते हैं इसको बैक। उसके बाद टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे डबल एक्सपोजर पे। उसके बाद हम अपने पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इस पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद शो कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद शो कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। उसके बाद इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वापस टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक कर देंगे डबल एक्सपोजर पे। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने के बाद हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर लेते हैं, जिससे कि और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसको करते हैं लाइटन। लाइटन करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इधर से कर लेते हैं इसको टर्न। डन करने के बाद वापस डबल एक्सपोजर वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इस साइड को कर लेते हैं सेट। सेट करने के बाद इसकी भी कैपेसिटी करते हैं लो। उसके बाद इसको करते हैं लाइटन। लाइटन करने के बाद थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। इधर से कर लेते हैं इसको डन। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।